ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। इनके इन बयानों को सुन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, पीएम मोदी राजनीति में किस स्तर तक गिर चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी के हाल के बयानों को देख स्पष्ट होता है कि पीएम मोदी कांग्रेस को लेकर बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। इसके पहले उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, अगर आपके पास दो भैंसे हैं तो कांग्रेस एक भैंस ले लेगी। दोस्तों, अब इनके इन बयानों के बाद जो पीएम मोदी ने नया बयान दिया है उसे लेकर लोग अब पीएम मोदी के मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े करने लगे। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह आपके बैंक खाते बंद करवाकर आपका पैसा छीन लेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी ने जो हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये इंडिया वाले आपके बिजली के कनेक्शन कटाकर फिर अंधेरा करवा देंगे। आगे कहते हैं कि मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है, सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल कर ले जाएंगे। दोस्तों, पीएम मोदी के इन बयानों को देखकर आपको भी लगने लगा होगा कि पीएम मोदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इस बयान के वायरल होने के बाद लोगों ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। मशहूर इंटरव्यूअर और मोटिवेशनल स्पीकर विजेंद्र चौहान ने पीएम मोदी के इस बयान पर कहा, ये चुनाव एकदम अलग ही लेवल पर हो रहा है। देश की जनता की अक्ल को इससे पहले कभी नहीं माना किसी नेता ने। संभल कर मेरे बच्चों, ये इंडिया वाले तुम्हारी मार्कशीट से नंबर मिटाकर चले जाएंगे। पत्रकार गोविंद प्रताप सिंह ने कहा, मंगलसूत्र भैंस के बाद अब नया माल आया है, ये लोग आपके बैंक खाते बंद कराकर उसका पैसा छीन लेंगे, घर की बिजली कनेक्शन काट कर अंधेरा कर देंगे, मोदी पानी पहुंचा रहा है, ये आपके नल की टोटी खोल ले जाएंगे, मोदी जी आपकी हालत और गला खराब है, खांसी है, आराम करिए। पत्रकार रोहिणी सिंह ने पीएम मोदी के इस बयान पर बेहद ही रोचक अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अब आगे मोदी जी कहने वाले हैं कि इंडिया वाले आपके फ्रिज में रखे दूध में नींबू डाल के भाग जाएंगे, इंडिया वाले सुबह आपके गेट पर रखा अखबार लेकर भाग जाएंगे, इंडिया वाले मेहमानों के जाने के बाद प्लेट में बची हुई बिस्किट खा जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आप पीएम मोदी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? आप इस पूरे वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें, और ज्यादा ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए टारगेट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।